वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद धागड़, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मीन के बारे में। जी हाँ, मीन या फिर एवरेज जिसको कह देते हैं, लेकिन मीन आपका एक सही वर्ड होता है। मीन को हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं। इसको सॉल्व करने की अलग अलग डेटा के हिसाब से अलग अलग तरीके की मेथड होती है। तो आपका जैसे मैं अभी पहले सिंपल एक सबसे शुरू हमने जो पढ़ते हैं सिंपल डेटा के लिए, वो क्या होता है आपका सिंपल डेटा में जो होता है वो क्या होता है, द सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब हिंदी में कहेंगे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मतलब जितना भी आपके डेटा है उसका सम कर दो और फिर उसको एवरेज निकालो। जैसे मैं एक कोई क्वेश्चन ले लेता हूं और आप इसको एस को डिनोट करते हैं एक्स बार से। जी हाँ, कैसे डिनोट करते हैं इसको, एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू होता है आपका समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ। एक्चुअली समेशन एफ एक्स समेशन एफ, इसमें जब हमारे पास ग्रुप डेटा होता है तब हम यूज करते हैं। वैसे सिंपल सा फॉर्मूला है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप मैंने सब ये क्वेश्चन दिया है 2, 4, 6, 8, 9 और आपसे कहा गया है कि इसका आप मीन फाइंड करो। इस सिंपल डेटा सबसे पहला टाइप होता है सिंपल, जिसमें आपको सिंपल डेटा गिवन होता है, जिसमें आपसे कहा कि मीन फाइंड करो। तो मीन में होगा आपका टोटल जो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी को जोड़ दिया, 2 + 4 + 6 + 8 + 9 कितने, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, 2 और 4, 6 फर्स्ट टाइप फिनिश हो गया। ये मीन में फर्स्ट टाइप, ऐसी सिंपल डेटा कितने भी गिवन हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, 10, 15, 20, 50 इस तरह की, 50 तो ज्यादा हो जाए, इतना नहीं देते, 10-15 तक होता है। तो आपका इसमें सभी को ऐड कर दो, उतने ही जितने हैं उतने से डिवाइड कर दो तो आपका मीन आ जाएगा। जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल बताया। अब दूसरा टाइप जो आपका होता है वो आपका होता है जिसमें वो ग्रुप डेटा गिवन हो तो उसमें आपका ये वाला फॉर्मूला लगता है आपका समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो जैसे कोई भी ग्रुप डेटा आपको गिवन, मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये लिखा हुआ है आपको ऐसे कोई क्वेश्चन गिवन रहेगा, मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे आपको एक्स रहेगा, यहाँ पे एफ, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी होता है कितने टाइम बाद वो डेटा आपका बार बार रिपीट हुआ है। तो जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू ले लेता हूं आपके, 1, 2, 3, 4, 5 और एफ आपको गिवन है कहीं 2, 3, 1, 2, 1 इस तरीके से आपको एफ गिवन है और आपसे कहेंगे भाई मीन फाइंड करो। क्या फाइंड करना है आपको, मीन। तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ। समेशन एफ, समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब एडिशन ही होता है, टोटल सम होता है, जोड़ होता है, योग, ये समेशन कहलाता है। समेशन का मतलब जोड़ना, टोटल जोड़। तो इस तरह क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समेशन एफ एक्स, एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स लिखा है, एफ इंटू एक्स, एफ और एक्स का क्या करना है, गुणा करना है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं एक्स और ये आपका एफ, तो आपको 1, 2, 3, 4 और ये 5, इसके सामने कितना लिखा है, ये 2, 3, 1, 2, 1 और यहां से आपको क्या निकालना रहेगा, आपको एफ एक्स निकालना है। तो एफ इंटू एक्स, तो 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 4 2 8, 5 1 5 यहां पे क्या निकाल लिया, एफ एक्स। अब आपको क्या निकालना है, समेशन एफ एक्स। समेशन का मतलब क्या होता है, आपको ऐड करना है। तो क्या है, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ, तो इसको ऐड करना है, समेशन एफ टोटल निकालना है आपको, समेशन एफ और यहां पे क्या निकालना है, समेशन एफ एक्स। समेशन एफ की वैल्यू कितनी, 2 और 3, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 हो गया आपका और ये कितना हो जाएगा, 2, 6, 8, 8, 3, 11, 11 और 8, 19, 19 और 5, 24 ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ। तो कितना जोड़ा भी, समेशन एफ एक्स कितना है 24 और समेशन एफ कितना है 9, डिवाइड कर दीजिए 9 से, 9 1 9 9 2 9 3 20 9 2 18 कितना बचा, 6 डेसिमल रहती 60 हो गया। तो 9 5 9 6 9 7 43 9 6 9 6 50 2.6 x बार की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, 2.66। बस 2 पॉइंट तक ही करें, ज्यादा नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये दूसरा टाइप फिनिश होता है, इसमें आपको ग्रुप डेटा गिवन, इस तरीके से डेटा गिवन होता है तो आपको इसमें इस तरीके से करना पड़ता है, समेशन एफ एक्स को समेशन एफ। अब आपका तीसरा टाइप आता है,
जिसमें आपका क्लास इंटरवल्स होते हैं। जी हाँ, क्या होते हैं? क्लास इंटरवल होते हैं, और इसमें आप दो तरह की मेथड से करते हैं। पहली मेथड होती है आपकी डायरेक्ट मेथड, दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जैसे ये किया समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ, इससे करते हैं। और तीसरी जो होती है एज्यूम मीन मेथड होती है, इसमें एज्यूम मीन होता है मान के चलते हैं। और तीसरा होती है स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं आपको इसमें आगे बताता हूं अगले क्वेश्चन में। जैसे कि कोई क्लास में आपका इंटरवल है, कोई क्वेश्चन गिवन है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये गिवन है आपको, जो क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल, और यहां पे आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। कोई भी वाली जैसे आपको 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, ऐसे करके और भी दे सकते हैं आपको। मैं एक क्वेश्चन अपने मन से मान रहा हूं कि भाई ऐसे क्वेश्चन होगा, या फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये आपको, जैसे 2, 1, 3, 4, ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये क्लास इंटरवल्स है, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए आपको दो मेथड यूज होती है, डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो मैं आपको पहले डायरेक्ट मेथड बता देता हूं। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, ये क्लास इंटरवल्स गिवन है, इनको आप वही पहले सॉल्व करें। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी क्या दिया, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30 और 30 टू 40। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 2, 1, 3, 4। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एफ एक्स, इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो समेशन एफ एक्स क्या, तो एक्स चाहिए हमें, तो एक्स यहाँ पे क्या होता है, एक्स आपका मिड पॉइंट होता है। क्या होता है आपका मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट निकालता कैसे आपको बता देता हूं। ये दोनों को ऐड करो, लोअर रेंज और अपर रेंज को ऐड करते हैं, लोअर और अपर इंटरवल को, इसको लोअर को और अपर को, और 2 से डिवाइड कर दो। 0 प्लस 10, 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 2 5, तो इसका मिड पॉइंट कितना आएगा 5। अब इन दोनों को ऐड करो, 10 और 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करो कितना होगा 15, और 20 और 30 कितना होगा 50, 50 को 25, और यहां पे 35। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और 5 के बाद देखो इनके बीच में गैप कितना है, 0 टू 10, 10 गैप है इसके बीच में, 10 टू 20 इसमें 10, इसमें भी 10 का गैप है, 20 टू 30 इसमें भी 10 का गैप है, और 30 टू 40 इसमें कितना गैप है, 10 का गैप है। तो इसे 5 के बाद 15, 15 के बाद 10, 10 ऐड करते जाएं आप। इस तरीके से आपका x आ गया। अब आपको निकालना है एफ एक्स, 2 5 10 15 1 15 3 5 75, और आपको कितना हो जाएगा ये 35 1 70 70 140। क्या निकालना है आपको, समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ, तो समेशन एफ निकालो यहां से, 2 और 3 2 और 1 3 3 6 और 4 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 10 25 100 240, समेशन एफ एक्स। एक बार और काउंट कर ले, 10 25 100 240, तो ये समेशन एफ आ गया और समेशन एफ एक्स आ गया। अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एक्स बार इक्वल टू एक्स समेशन एफ एक्स क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो एक्स बार इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये 240 अपॉन में 10, 10 से 10 कैंसिल, तो एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया आपका 24। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट मेथड थी मीन फाइंड करने की, सिंपल है। क्लास इंटरवल्स ले, फ्रीक्वेंसी ली, मिड पॉइंट एक्स कैसे निकाला, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड कर दो, और एफ ऑफ एक्स आ गया आपका ये, इसमें आपका 5 अपॉन ये 10 15 इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपको, इसको ऐड कर दो और इसको ऐड कर दो, वैल्यू पुट कर दी। इसके तरीके से आपका ये मीन की डायरेक्ट मेथड आपकी फिनिश होती है। अब आपका आते हैं इनडायरेक्ट मेथड पे, इनडायरेक्ट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। जी मैं किस वर्ड के यूज कर रहा हूं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड बता रहा हूं। स्टेप डेविएशन मेथड तब यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा डेटा गिवन हो, जैसे इसमें बहुत कम डेटा गिवन, और बहुत अभी मैंने कम ही लिया, जैसे कुछ ज्यादा बड़ा डेटा गिवन आ जाए तो भैया उसको सॉल्व करेंगे तो आप एफ एक्स निकालेंगे, जैसे लॉन्ग लॉन्ग डेटा आ जाएगा तो एडिशन करने में थोड़ा मुश्किल होती है और कैलकुलेशन करने में, इसलिए आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, इसी क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन मेथड से करता हूं, तो जैसे इसमें ये जो चेंज हो जाना है ये वाला इतना पोर्शन, क्वेश्चन ये है, इसी को स्टेप डेविएशन से करते हैं, बस यहाँ पे मिड पॉइंट भी आपको निकालना रहेगा, एक चीज बढ़ जाएगी यहाँ पे यू। अब ये यू क्या है सुन लीजिए जरा, यू होता है आपका एक्स माइनस ए अपॉन एच, x माइनस ए अपॉन एच, x माइनस ए अपॉन एच। एक्स क्या होता है यहाँ पे,
एक्स आपका मिड पॉइंट होता है, ए होता है आपका एज्यूम मीन, क्या होता है एज्यूम मीन, वो हम अभी एज्यूम कर अपने मन से कोई भी मान लेंगे, और ये एच होता है, एच इसको कहते हैं एच आपके इनके बीच का जो गैप होता है ना उसको एच कहते हैं। तो भैया यहाँ पे आपको यू निकाला किस तरीके से निकला ध्यान से देखिएगा, ये कितना है 1 2 3 4, अब इसमें से यो ए होता है, ए हम इनमें से किसी एक को आप ए मान लीजिए, तो मेरे हिसाब से आप हमेशा मिड वाले को माना करें, जैसे 5 दिया है तो आप तीसरे नंबर वाले को मान लिया करें, लेकिन यहाँ पे आपके 1 2 3 4 के बने कोई सा ही मान लो, मैं इसको मान रहा हूँ, मैं 25 को क्या मान रहा हूँ एज यू मीन मान रहा हूँ, एक ये क्या मान रहा हूँ आपका 25, यहाँ लिख दीजिए एक और 25 आपने एज्यूम किया है, ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है 10, इनके बीच का गैप कितना है 10, तब कैसे लिखते हैं, इसके सामने लिख दीजिए 0, ऊपर की तरफ -1 -2 -3 -4 ऐसे लिखते चलिए, और नीचे 1 2 3 4 5 प्लस में, अभी कैसे है मैं आपको करके बता देता हूँ, जैसे सपोज करो कि आपका 15 वाला ले रहे हैं तो यू में कैसे होगा, एक्स की वैल्यू कितनी 15 माइनस ए की वैल्यू कितनी मानी आपने 25 और एच की वैल्यू कितनी मानी है 10, तो कितना हो जाएगा -5/10, सॉरी ये 50 में 10 बचेगा, गलती हुई सॉरी, यहाँ 50 में 10 बचेगा -10, 10 से 10 तो आपके एक्स से क्या बचेगा -1 बच्चा, इस तरीके से सॉल्व करना, बोले यहाँ पे वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको माना है उसके सामने 0 रख दो, उसके ऊपर की तरफ -1 2 3 4 और नीचे +1 2 3 4 ये करना होता है। अब इसके बाद आगे क्या आएगा आपका एफ यू निकाल, इसमें निकालते हैं एफ यू, वहां पे निकाला था एफ एक्स, इसमें निकालेंगे एफ यू, तो एफ और यू का मल्टीप्लाई करना, ये इसलिए करते ताकि हमारा जो हो जाए थोड़ा छोटा हो जाए कैलकुलेशन, इसलिए जैसे 2 × 4 कितना हो जाएगा -4, 1 × 1 = 1, 3 × 2 = 0 और 4 × 1 = 4, देखिएगा कितना आसान हो गया, आसान हो गया, हमने इसलिए ऐसा किया थोड़ा जल्दी आसान हो जाता है कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, तो इसमें आपको समेशन एफ यू निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा समेशन एफ यू, तो कितना होगा -4 + 4 कैंसिल, क्या आएगा समेशन एफ यू -1, क्या आएगा -1। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे, स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले पे आते हैं, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला जो होता है एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस समेशन एफ यू अपॉन में समेशन एफ इंटू एच, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मेथड नहीं बताई मैंने आपको, एज्यूम मेथड इसलिए नहीं बताई उसका रीजन मैं आपको आप समझा देता हूँ, एज्यूम मेथड में यही करना होता है बस अपॉन में एच नहीं लिखते, एज्यूम मेथड में क्या करते हैं अपॉन में एच नहीं लिखते और स्टेप डेविएशन में अपॉन में एच लिखते, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू लगा जाएगी फिर आपकी माइंड 0 1 2 3 4 ये नहीं आएगा, ये ट्रिक हट जाएगी, बाकी फॉर्मूला एज्यूम मेथड का भी फॉर्मूला यही रहता है और स्टेप डिवीजन का भी फॉर्मूला यही रहता है, एज्यूम मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है, बस यहाँ पे एच नहीं आता, बाकी पूरी वही की कंडीशन है, तो वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू क्या मानी थी मैंने 25, कुछ भी मान सकते हैं जरूरी नहीं है 25 मान, कुछ भी मान लेने इसमें से, ठीक है, समेशन एफ यू कितना है -1, समेशन एफ कितना है 10 और इंटू एस की वैल्यू कितनी है 10, 10 से 10 कैंसिल, तो एक्स मार इक्वल टू कितना 25 - 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24, यही आया था पहले भी आंसर, प्रीवियस जो हमने डायरेक्ट मेथड की थी उसमें भी आपका आंसर 24 ही आया था, स्टेप डिविजन मेथड में आपका आंसर 24 आया, तो डिफरेंस क्या रहा दोनों में, फर्क ये था कि इसमें कैलकुलेशन इजी हो जाता है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा आपको ज्यादा करना पड़ता है, बाकी मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका यही आंसर उससे भी आएगा, यही आंसर उससे आएगा, ठीक है, सो गाइस होप यू आपको समझ में आया होगा पूरा मीन के बारे में, आगे की वीडियो में आपको मैं मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन रिग्रेशन इस करके आपको पूरे वीडियोस में आपको बना के दूंगा, बस उसके लिए आपको थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और जी हाँ सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।